ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं मार्गशीर्ष महात्म का नवा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर बात पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। सो मैं अन्न पान आदि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनग, स्वर्ण का पात्र होना चाहिए, उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचोरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त खीर और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें तथा नींबू का रस चंद्रक फल मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावें और किशमिश मिला हुआ आम का रस, मिर्च पीपल अदरक इलायची चंद्रक को हाथ से मलकर चटनी कड़ी आदि कहे गए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनावें और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार के तथा नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। ये सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रमणीय मंडप बनाएं। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचोरियों पर स्वर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफेद सुहाली पूरी इमरती जलेबी मालपुआ तथा दूध के बने हुए पेड़ा कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना लें। मणि सूत फेनी मालती फूल आदि काशी फल उड़द के बने पापड़ बड़ी आदि तथा नौ प्रकार के सुंदर बड़े बनाएं। दो प्रकार के जाति फल लवण के अति शुद्ध तेल के कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन के समान रूखे, कुछ दही के कुछ दूध के कुछ सौंठ के कुछ आम के कुछ किशमिश के कुछ ईख के रस के कुछ जल जीरे के और कुछ मिश्री डाल बनावे। चार प्रकार के अथवा नौ अन्य प्रकार के रसों को डालकर नौ प्रकार के बड़ों को बनावे। व्रज प्रभा अनुकर्णिका चार चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवंगों से युक्त करे। घृत दूध मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ खिचड़ी चिकनी फेनी पराकी चंद्रपोलिका और चार बीज के बने हुए लड्डू मिश्री तथा दूध के बने नारियल फल के बने और वृक्ष गोंद के बने बादाम छुआरा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनाए। सूरण मोचनी कंद आर्दू कर मर्दक नारंगी इमली ककोल फल दशार त्रिपुरी जात सुंदर नींब का फल तिंदु फल लवंग वेल काला नमक पलकल वंशकारीर काय फल बल किशमिश आम्र फल केला पीपल मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनाए। हे ब्रह्मा, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अति प्रीतिकर है, मार्गशीर्ष मास में इन सबको बनाए। लेकिन यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह भी संक्षेप में सुनिए। 1 घेवर 1 लड्डू 2 फेनी 3 खजूर 16 घृत में बने हुए पराठे 8 बड़ा। इतना भोजन देने वाले मनुष्य नरक में नहीं जाते। 2 सेर दूध 16 तोला चंद्रमा के समान सफेद चीनी 4 तोला घी 1 पल शहद अधुआ मिर्च आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधा आधा पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पीसे तथा सुंदर चिकने वस्त्र में छानकर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता मुझे अर्पण करता है उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इति श्री स्कंद पुराण मार्गशीर्ष मास महात्म 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे।